सबका विकास करते हैं, लेकिन आप अगर रिकॉर्ड देखें भाई, हम 2017 का चुनाव देखें, हम 2019 का लोकसभा देखें, फिर 2022 का देखें, तो उसमें टिकटों की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक भाई कहीं ना कहीं पार्टी से, मतलब जिस तरह से टिकट मिलना चाहिए नहीं मिले उनको, लेकिन ये एक नई शुरुआत हुई है। इसके लिए भी मैं जो है आपकी पार्टी को बधाई तो दे ही रहा हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं। अरविंद जी, आपका प्रश्न गंभीर है, क्योंकि भारतीय राजनीति के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार है, और अभी तक सपा बसपा कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते रहे और इनको वोट बैंक की हैसियत से ही देखते रहे, और जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए, उन्होंने एक नारा दिया जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और दूसरे चुनाव में उन्होंने इसको थोड़ा और बढ़ा के कि सबका प्रयास, तो ये नारा ही नहीं सिद्धांत के रूप में लागू करने का काम किया। जितनी नागरिक सुविधाएं हिंदू गरीब को मिली जी, उतनी ही नागरिक सुविधाएं मुस्लिम गरीब को भी देने का काम किया गया, और मुसलमानों को वोट ना मानकर उनको एक देश का अभिन्न अंग मानकर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने काम किया। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अहर्निस काम कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न उठाया था, मुसलमानों को हम सम्मान भी दे रहे हैं जी, राजनीति में हिस्सा भी दे रहे हैं, और उनको स्थान बनाकर उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी कर रही है और प्रदेश में भी कर।